बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा भाजपा की बैठक छोड़कर बाहर चले गए थे। इसे पार्टी में खलबली मच गई है। भाजपा की मेयर कैंडिडेट सुमन शर्मा उनको मनाने पहुंची थी। सुमन शर्मा उनको मनाते हुए करीब 20 मिनट तक रोती रही। घटना शनिवार को नगर निगम चुनाव का घोषणा पत्र जारी करने के लिए आयोजित कार्यक्रम की है। यहां मंच पर अनूप मिश्रा को जगह नहीं दी गई तो वे नाराज हो गए हैं। आपको बता दें कि अनूप मिश्रा पूर्व मंत्री होने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे भी हैं। जब भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया शहर में रहते हैं, अनूप मिश्रा उनके सबसे करीब होते हैं। पत्रकारों ने अनूप मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा वह किसी से नाराज नहीं है, पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो था वह सुलझ गया है। जबकि सुमन शर्मा का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा, सांसद विवेक सेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, पूर्व मंत्री माया सिंह, रमेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। अनूप मिश्रा मंच से नीचे कुर्सी पर बैठे हुए थे। मंच संचालन करने वाले ने उनको जगह नहीं दी थी। घोषणा पत्र जारी होने तक अनूप मिश्रा बैठक में मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ वे नाराज होकर बैठक से बाहर निकल गए। यह देखकर वहां हंगामा खड़ा हो गया था। महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा बैठक छोड़कर मिश्रा के घर पहुंच गई थी, यहां उनको मनाया। यहां सुमन शर्मा ने करीब 20 मिनट तक अनूप मिश्रा के सामने आंसू बहाए। इसके बाद अनूप मिश्रा ने कहा मान अपमान से परे होकर वह उनके लिए प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। की नहीं है, व्यक्ति से हो सकती है और गलती को अनदेखा करना ही चुनाव का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। दुख है, बहुत पीड़ा है, मैं कैसे निकल रही हूँ मैं जानती हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया है, अनूप जी ने मुझे खड़ा किया है। कहा था कि हमारी बातचीत हो जानी चाहिए, उसके बाद मैं निकला हूँ। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं संचालन में दिक्कत थी, यानी ये तो कहेंगे गलतियाँ हो सकती है, पार्टी की नहीं है, व्यक्ति से हो सकती है और गलती को अनदेखा करना ही चुनाव का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। यानी अब पूरी लड़ाई शांत है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लड़ाई ताकत से लड़ी जा रही है, उसी ताकत से लड़ी जा रही है। यही है, 5 महीने जो औरत अपने पति को खो देती है पहले, वो दिन भर रोती है और प्रचार करती है भागते हुए, आप उसको दूसरे में मत ले जाइए। आज होटल में जो हुआ मनाने आएंगे, कुछ नहीं हुआ, साथ रहेंगे हमेशा, कुछ नहीं हुआ।